राम राम, नमस्ते, वेलकम टू आवर डिजिटल क्लास। तो पिलामाने आज आम अष्टम श्रेणी जामिति पुस्तक पंचम अध्याय प्रसंग परिमिति। तो यही एपिसोड पिलामे अनुश्रेणी पाँच बी अंतर्गत समभाव त्रिभुज एवं आयचित्र एवं वर्गचित्र किपरि उच्चता ओ कर्ण निर्णय करिबा शिखिबा जेतेबेले बाहु दत थिबो। ओके, प्रसंग होउछि परिमिति। तो पिला माने गत एपिसोड आमे समद्विबाहु त्रिभुजर परिसीमा कर्ण दैर्घ्य बाहु दैर्घ्य एवं समद्विबाहु त्रिभुज उच्चता विषय आलोचना करथिले। वर्तमान ए एपिसोड रे आमे समभाव त्रिभुजर उच्चता एवं परिसीमा विषय आलोचना करिबा। तत्पर वर्गचित्र ओ आयचित्रर कर्ण एवं वर्गचित्र कर्ण किपरि निर्णय करिबा तबे आमे शिखिबा। ठीक अछि, तो देखो देखो पिले समभाव त्रिभुजर ए बी सी एक समभाव त्रिभुज अर्थात ए बी बाहु इक्वल टू बी सी बाहु इक्वल टू ए सी बाहु। ओके ने, तो बी सी बाहुर सम्मुखीन विपरीत शीर्षबिंदु कि हम पी ना ए बर्तमान ए ठारु बी सी प्रति लंबांकन करवा जे कि बी सी को डी बिंदु सहित कर। ओके ना, तो ये ए डी को कौन कहे ए डी रेखा को आम ए त्रिभुज कौन कह उच्चता कहवा कौन कह पे उच्चता जो को आम हाइट कहते हैं बुझल। तो देखिए वर्तमान समभाव त्रिभुज उच्चता बा हाइट एच इक्वल कौन हम ए डी ए बी सी त्रिभुज एडी उच्चता हाँ कि नहीं। तो मनकर ए बी बाहु इज इक्वल टू बी सी बाहु इज इक्वल टू ए सी बाहु इज इक्वल मन ए एकक हुए। ठीक अच्छे, एकक हुए तेब यार उच्चता आने कौन कर उच्चता बा हाइट आने सूत्र कौन सूत्र हूँ कौन रूट तीन बै दुई गुण बाहु। ठीक अच्छे, म्यूजिकल रूट थ्री बै टू इंटु ए मध्यम कहींपर तेणु समबाहु त्रिभुजर उच्चता बा हाइट सूत्र हूँ कौन रूट तीन बै दुई इंटु ए ये फर्मूला मन रखा। देख पिले ए बी सी डी एक चतुर्भुज हाँ कि तो ए चतुर्भुजर ए डी भाव सहित बी सी सामान एवं ए बी भाव सहित डी सी सामान एवं प्रत्येक कोण गोटे गोटे समकोण। ठीक अच्छे, ताको आम कौन कह ना आयर चित्र तुम जाच हाँ कि नहीं। जदि आम ए सी को जोड़ा ठीक अच्छे, ये ए सी कौन ए सी है कर्ण ए सी आम कौन पे हेच कर्ण हम हाँ कि नहीं। ताल मनाकर ने आम देख ए बी बाहू इज इक्वल टू एक ठीक अच्छे और बी सी बाहू जी मन कर बी एकक बाइनोटे आम कौन ठीक अच्छे। तार कर्ण ए सी कर्ण ए सी बाच एज इक्वल टू केते तो पहले आम जानते देख ए बी सी एक समकोण त्रिभुज तो ये सम्मुखीन ये भूमि ये हम कर्ण हाँ कि नहीं। तेणु ये कर्णर देखा अतएव एच ए स्क्वायर ये अंश पहले आम कौन ना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाँ कि नहीं। तो ये देख पे पी स्क्वायर अथवा ए बी रो स्क्वायर प्लस ये हूँ बी सी रो स्क्वायर देन ये इक्वल कौन हम पे आम कौन हम जी ना
ए रो स्क्वायर प्लस बी रो स्क्वायर ओके ना दैट इम्प्लाइज एच स्क्वायर इक्वल टू आसला एटा हम करिया देन एच इज कोन करिया ना रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओके ना तो बर्तमान आई चित्र कर्ण इज इक्वल कौन रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल अर्थ दज्ञ बी अर्थ प्रश्न तुम जाच ओके ना देख पे ए बी सी टी आजित जो ए बी सी टी आजित्र चार बाहर दज्ञ परस्पर सामान हे तक आम कौन कह एक वर्गचित्र कह कह एक वर्गचित्र हम गोटे कर्ण एवं बी टी गोटे हम कर्ण चित्र लिखिपर ओके ना तो कौन लिखा पे ना ए बी सी डी वर्गचित्र कर्ण तक एच एल कौन आम तो कौन पाया ना रूट ओवर ऑफ कौन हे एल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किंतु एल ए आ बी दुटा सामान हाँ कि ना तो कौन नहीं पारे एल ए स्क्वायर प्लस एल ए स्क्वायर नहीं पारा बाको इन भी लिखिपर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हाँ कि ना इज कोड के पे ना टू ए स्क्वायर ठीक अच्छे देन एति कौन हे ना रूट टू ए हम ए बी सी डी वर्गचित्र कर्ण इज कोड रूट टू ए ठीक अच्छे तार बाहू को रूट्रे गुणला आम अटोमेटिक कर्ण पाई देख पे दिखाई है गोटे वर्गचित्र दुई विपरीत कौन लोक बिंदु मध्य दूरता 40 सेम हेले यार परिसीमा के देख बर्तमान पे ए बी सी डी एक वर्गचित्र विपरीत कौन बिंदु दूरता कर र विपरीत कौन बिंदु सी और बी रपरीत कौन बिंदु डी हाँ कि ना तो ए मैंने जो दूरता अच्छी पे के मनकर 40 सेम ठीक अच्छे तो आम कौन लिखा पे पी डी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू एच ठीक अच्छे देने कहते पे इज इक्वल मोर 40 एम ओके ना दैट इम्प्लाइज एच इज इक्वल टू 40 एम ओके ना पे ततव आम दरकार बाहू कौन दरकार बाहू तो लिखा ये ए बी सी डी वर्गचित्र बाहू सूत्र जान पे कौन ना बाहू इज इक्वल टू कर्ण दक्ष बाई रूट टू ओके ना देन एति कौन पे तो ये कहते हैं ना 40 एम बाई रूट टू ठीक अच्छे देन एति इज इक्वल देख पे 40 घर के रूट टू अच्छी अच्छे ना तो जान पे रूट टू आम कौन कर रुट्रे गुणवा कहीं आमको अपरिम संख्या को परिम संख्या कन्वर्ट कर ये 40 रुट टू बै दुई ठीक अच्छे आम उभय लब हर को रुट्रे गुणिले तो कौन कर दुई कोड़े ठीक आसा पे 20 रुट टू सेम बुझ तेव बाहू अतव बाहू ए इज इक्वल कितना 20 रुट टू बुझ तो लिखा अतएव ए बी सी डी वर्गचित्र परिसीमा इज इक्वल कहते हैं सूत्र कौन पे ना 4 into a बा 4a ठीक अच्छे तो 4 into a आम के पे ना 20 रुट टू ठीक अच्छे देन इज इक्वल गुणी देवा 80 रुट टू सेम यूज दमर आंसर आउ गोटे एग्जाम देखा 50 सेमी बाहु विशिष्ट समबाहु त्रिभुज उच्चता निर्णय कर ठीक अच्छे तो आंसर कौन देख लिखा तो लिख आम जानू कौन लिखे आम जानू त्रिभुज उच्चता इसलिए कौन पे रूट तीन बाई दुई इंटु बाहु कि ना देन ये लिख पे आम कौन रूट तीन बाय दुई गुण बाहू बाहू के दिखाई बोले आम 50 सेम तो लिखिदे क्या 50 सेम ठीक अच्छे ये गुण हाँ ना बाकी लिखे 50 गुण रूट तीन बाई
दुई एमती भी लिखिपर तीन लिखी पारे तो कौन कर दुई के दुई काटदे तो 25 रूट तीन ठीक से आस लिखिपर संभव त्रिभुज उच्चता एच इज इक्वल टू 25 रूट तीन सेमी। ओके देख पे गोटे एक्जाम्पल कह गोटे संभव त्रिभुजर एक शीर्ष बिंदु विपरीत बाहूर मध्य बिंदु दूरता हूँ 15 रूट तीन तेब यार परिसीमा के निर्णय कर ठीक अच्छे तेल देख के करवा देख पे ये ए बी सी त्रिभुजर संभव त्रिभुजर ए डी है उच्चता बाहर ए डी इक्वल टू बाइस इज इक्वल टू 15 रूट तीन मीटर ठीक अच्छे तो ते बारे कौन कह यार परिसीमा कौन आने यार परिसीमा आने सूत्र कौन परिसीमा ना तीन इंटू बाहू कह कहीं संभव त्रिभुज मैं तो एज इक्वल के एज इक्वल के आम जाना ना तो लिखा पे ये आम लिखा आम जानू ये संभव त्रिभुजर उच्चता एच एज कौन पे एच एज इक्वल रूट तीन बाय दो इंटू बाहू कि तो ये उच्चता दिखाई गल पे ना 15 रूट तीन इज इक्वल के रूट तीन बाय दो इंटू बाहू कि आम दरकार कौन पे बाहू दरकार ठीक अच्छे तो कौन कर रूट तीन ए इज इक्वल कौन हे ना दुई गुणन 15 रूट तीन ठीक अच्छे दैट इम्प्लाइज ए इज इक्वल कौन हे देख 30 रूट तीन बाय रूट तीन ठीक अच्छे दैट इम्प्लाइज ए इज इक्वल कौन हे ना 30 आस कहीं रूट तीन को रूट तीन आम काटिदे तो कैसे आसला पे आम तो कत आसते बिल 30 मीटर ठीक अच्छे तो लिखे बर्तमान परिसीमा तीन इंटू ए थ्री गुण 30 मीटर इज इक्वल टू 90 मीटर ठीक अच्छे ये आंसर।